PKL सीजन 10 टीम एनालिसिस सीरीज का ये दूसरा एपिसोड है। पिछली वीडियो में सबसे ज्यादा कमेंट्स आए थे गुजरात जायंट्स के लिए, और इसलिए इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गुजरात जायंट्स की, कैसे वो अपने पुराने मिस्टेक से उभर कर इस सीजन में क्या अप्रोच रखने वाले हैं सीजन 10 की तरफ, पूरा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सीजन 9 के गुजरात जायंट्स की टीम में एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज की कमी रह गई थी, एक ऐसी चीज जो अगर टीम में ना हो तो टीम अच्छा परफॉर्म कर ही नहीं सकती, और वो चीज है कॉम्बिनेशन, खिलाड़ियों के बीच में आपस में तालमेल, और इस तालमेल की खास जरूरत होती है डिफेंस को। सीजन खत्म होने तक हम देखते आए थे कि गुजरात जायंट्स अपना डिफेंसिव कॉम्बिनेशन चेंज कर रहा था। कभी लेफ्ट कॉर्नर पे संदीप कंटोला खेला करते थे, तो कभी वहीं पर रिंकू आ जाते थे, कभी राइट कॉर्नर पे बलदेव सिंह खेला करते थे। एन नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन गुजरात जायंट्स ट्राई करते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अंत तक गुजरात जायंट्स का कॉम्बिनेशन नहीं बैठ पाया, और इसलिए इस बार गुजरात जायंट्स ने अपने पूरे डिफेंस को नए सिरे से बनाया है। इस बार वो अपने डिफेंस के साथ कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे, और इसीलिए वो प्रो कबड्डी के सबसे बेस्ट डिफेंडर को अपनी टीम में लेकर आए हैं, वो डिफेंडर जिनके नाम सबसे ज्यादा टैकल पॉइंट्स है, फजल अत्राचली। पूरे 1,60,00,000 की कीमत पर गुजरात जायंट्स फजल अत्राचली को अपनी टीम में लेकर आए हैं। अगर आपको याद नहीं है तो बता दूं कि फजल अत्राचली पहले भी गुजरात जायंट्स का हिस्सा रह चुके हैं और फाइनल्स तक भी पहुंच चुके हैं। फजल के आने की वजह से टीम में डिफेंस तो मजबूत हो ही गया है, और साथ ही में टीम को एक अच्छा कैप्टन भी मिल चुका है। अब यहाँ पर कई लोग मुझसे डिसएग्री कर सकते हैं, शायद कई लोग ये सोच सकते हैं कि टीम में एचएस राकेश भी तो है, और एचएस राकेश तो कितने टाइम से गुजरात के साथ जुड़े हुए हैं, तो एचएस राकेश को कैप्टन बनना चाहिए। लेकिन जरा टेक्निकली सोचने की कोशिश कीजिए, एक डिफेंडर कैप्टन बने ये एक अच्छी चॉइस मानी जाती है। जब अपनी टीम का रेडर रेड कर रहा हो, तब अपनी टीम का डिफेंडर जो कि कैप्टन है, वो अपनी टीम के साथ मिलकर मुकाबले की आगे की रणनीति बना सकता है। टीम से क्या गलतियां हो रही है, क्या चीजें बेटर कर सकते हैं, इसके बारे में डिस्कशन करने के लिए टाइम मिल जाता है। और वैसे भी कैप्टन इस बेसिस पर नहीं बनाया जाता कि कौन सा प्लेयर किस टीम में कितने ज्यादा देर तक था, कैप्टन इस बेसिस पर बनाया जाता है कि कौन सा प्लेयर अपनी टीम को अच्छे से संभाल सकता है। और इसीलिए 99.9% यही चांसेस है कि फजल अत्राचली टीम के कैप्टन बनेंगे, और एचएस राकेश को एकदम खुली छूट दी जाएगी कि तुम्हें जैसे रेड करना है वैसे करो, इस तरह उनके ऊपर भी प्रेशर कम आएगा। फजल का साथ देने के लिए राइट कॉर्नर पर होने वाले हैं सोमवीर। फजल और सोमवीर को साथ में खेलते हुए हम पिछले सीजन में पुनेरी पल्टन में देख चुके हैं, दोनों को साथ में खेलने का अनुभव है, तो यहाँ पर कॉर्नर टू कॉर्नर कॉम्बिनेशन बैठ गया। कवर्स की बात करें तो राइट कवर पर खेलने के लिए टीम में रवि कुमार और सौरभ गुलिया है, जिनमें से सौरभ गुलिया के दिखने के चांसेस ज्यादा है, और लेफ्ट कवर पर खेलने के लिए अरखम शेख है। इन दोनों कवर्स को हम पिछले सीजन में साथ में खेलते हुए देख चुके हैं। साथ ही में टीम में दीपक सिंह, नितेश और मनोज जैसे डिफेंडर्स भी है। इससे एक बात तो क्लियर हो जाती है, गुजरात जायंट्स इस बार उन खिलाड़ियों को लेकर आए हैं जिनका कॉम्बिनेशन पहले से बैठा हुआ है। अब इस बात के लिए उन्हें एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फजल और सोमवीर पिछले सीजन में साथ में खेल चुके हैं, सौरभ गुलिया और अरखम शेख भी पिछले सीजन में साथ में खेल चुके हैं, तो इनका भी कॉम्बिनेशन है, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि गुजरात का डिफेंस इस बार काफी अच्छा लग रहा है। और मुझे ताज्जुब नहीं होगा अगर ये डिफेंस 10वें सीजन के वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट डिफेंस के रूप में हमारे सामने आए। रेडर्स की बात करें तब ऑब्वियसली अपनी टीम के सबसे बेहतरीन रेडर एचएस राकेश को तो टीम ने रिटेन कर ही लिया था, साथ ही में टीम ने प्रतीक दहिया को भी रिटेन किया था, एक थर्ड रेडर की जगह खाली थी। अब इस पोजीशन पर खेलने के लिए गुजरात जायंट्स किसी भी रेडर को ला सकते थे, लेकिन जैसे मैंने कहा कि गुजरात जायंट्स का मेन फोकस इस बार कॉम्बिनेशन पर था, और इसलिए गुजरात जायंट्स फजल अत्राचली के ही ईरानियन दोस्त मोहम्मद इस्माइल नबी पक्ष को अपनी टीम में लेकर आए हैं। दोनों ही ईरानियन टीम का हिस्सा थे, और साथ ही में पिछले सीजन में पुनेरी पल्टन में भी ये दोनों साथ में खेल चुके हैं। वैसे पिछले सीजन में नबी पक्ष ने केवल 36 पॉइंट्स कमाए थे, एंड टू बी ऑनेस्ट मैं थोड़ा ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था उनसे। लेट्स होप कि पिछले सीजन में जो कमी रह गई थी वो इस सीजन में पूरी कर दी जाए। अब अगर मान लेते हैं कि मोहम्मद इस्माइल नबी पक्ष पॉइंट स्कोर नहीं कर पा रहे हो, तब भी टीम में रोहित गुलिया है, जीबी मोरे है, और जगदीप, सोनू और नितेश जैसे रेडर्स भी है। रेडिंग के मामले में काफी अच्छे बैकअप्स भी है टीम के पास, और तो और सिर्फ इतना ही नहीं, टीम में बालाजी डी, विकास जागलान, जितेंद्र यादव और रोहन सिंह जैसे ऑलराउंडर्स भी है। टीम के पास राम मेहर सिंह साहब जैसे कोच भी है जो कि चैंपियन टीम बनाने की रेसिपी को भली भांति जानते हैं, उनके गाइडेंस में ये टीम अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देगी। ओवरऑल अगर हम बात करें तो काफी हद तक बैलेंस टीम है। टीम के पास अच्छे खासे रेडर्स है, अच्छे खासे बैकअप रेडर्स है,
डिफेंस में हर पोजीशन पर खेलने के लिए अच्छे खासे डिफेंडर्स हैं। वैसे लेफ्ट कवर पर खेलने के लिए बैकअप प्लेयर्स की कमी खल सकती है, लेकिन ओवरऑल काफी अच्छी टीम है। इस टीम में काफी ज्यादा पोटेंशियल है और मैं इसे अभी से क्वालिफाई करता हुआ भी देख पा रहा हूँ। बड़ी से बड़ी टीम को ये टफ मुकाबला देंगे और अगर टीम में एक दो कमियां हो भी तो भी उसके लिए रामवीर सिंह साहब तो है ही। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आप लोग मुझे कमेंट सेशन में जरूर बताना कि आपको क्या लगता है गुजरात जायंट्स की इस टीम के बारे में और रामवीर सिंह साहब की स्ट्रेटेजी के बारे में। वैसे पिछले वीडियो में मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, कितने लोगों ने सही जवाब दिया यार, सबके कमेंट्स निकालते निकालते पसीने छूट गए मेरे। अभी देखना एकदम हार्ड सवाल पूछूंगा, देखते हैं फिर कितने लोग जवाब दे पाते हैं। चलो देखो तब तक। ये है वो सारे कमेंट्स जिन्होंने सही जवाब दिया था। यस, बहुत सारे हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन टू ईच एंड एवरी विनर जिन्होंने सही जवाब दिया। इस वीडियो में आपके लिए सवाल है ये। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर एक इमेज देख पा रहे हो, आपको सिर्फ पहचानना है कि ये प्लेयर कौन सा प्लेयर है। एक हिंट देता हूँ, इस प्लेयर को हम प्रो कबड्डी में खेलते हुए देख चुके हैं, मैट पर एक्शन में देख चुके हैं। चलिए आप कमेंट सेशन में बताइए, पहचानिए कि ये प्लेयर कौन है। और साथ ही में मुझे कमेंट सेशन में जरूर बताना कि नेक्स्ट वीडियो आप कौन सी टीम का एनालिसिस देखना चाहते हो। जिस टीम को सबसे ज्यादा वोट्स मिलेंगे उस टीम का टीम एनालिसिस वीडियो अपलोड हो जाएगा। पीकेएल सीजन 10 टीम एनालिसिस सीरीज के पिछले एपिसोड्स देखने के लिए यहाँ पर क्लिक कीजिए और सभी टीम्स की मोस्ट प्रोबेबल स्टार्टिंग 7 देखने के लिए यहाँ पर क्लिक कीजिए। मैं वेदांत वैद्य बहुत ही जल्दी मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।